आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, और ये किस तरीके से वर्क करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके इसमें जो वेरियस ऑपरेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिसजॉइंट सेट का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है। तो हम लोग पहले सेट को समझते हैं। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, जैसे कि हमारे पास बाइनरी हिस्ट्री थी, आपका हैशिंग था, उसके अलावा आपका बाइनोमियल हीप थी, फिबोनाची हीप थी, बाइनरी हीप थी। तो उस तरीके से डिसजॉइंट सेट भी आपका एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होंगे, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, पूरे सेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे यूनियन ऑपरेशन, आपका मेक सेट ऑपरेशंस और आपका फाइंड सेट ऑपरेशन। तो जैसे फाइंड सेट ऑपरेशन की अगर हम बात करें, फाइंड सेट ऑपरेशन का मतलब है कोई एलिमेंट एक्स है, हमें फाइंड करना है उस सेट में है या नहीं है। मेक सेट मतलब सेट को हमें बनाना है, उसके बाद यूनियन, दो सेटों का यूनियन करना है। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन किससे परफॉर्म होंगे, इस रिप्रेजेंटेटिव से। रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या होता है, जैसे हम लोग अगर बात करें अपने क्लासरूम की बात करें तो एक क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है, या फिर आप बात करें मॉनिटर होता है जैसे क्लास का, या रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो क्या होता है कि पूरे क्लास के बंदे उस मॉनिटर के अकॉर्ड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी कि अगर आपको कोई अपनी बात डायरेक्टर तक पहुंचानी है, आपको अपनी बात फैकल्टी तक पहुंचानी है, तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताएंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, आप जाके उसको वहाँ जाके रखिए फैकल्टी के सामने। तो वो रिप्रेजेंटेटिव जाके आपकी बात को वहाँ पर रखता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी डिसजॉइंट सेट में उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर फाइव एलिमेंट्स हैं, पूरे सेट में फाइव एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इनमें ही इन्हीं में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। मान लीजिए 3 एक रिप्रेजेंटेटिव है। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम जो वैल्यू होती है या मैक्सिमम जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 है या 5 है, इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव असाइन करते हैं। जब हम सेट को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 को, कोई भी एलिमेंट इसमें से रिप्रेजेंटेटिव का वर्क काम कर सकता है। तो मान लीजिए हम इसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव ट्रीट कर रहे हैं, तो अब ये 3 इन सब से कनेक्टेड होगा, यानी कि सब के सब इसको पॉइंट कर रहे होंगे इस तरीके से, और ये 3 भी अपने आप को पॉइंट कर रहा होगा, 3 भी अपने आप को फाइंड कर रहा होगा। यानी कि हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे हम फाइंड ऑफ फाइव, हम फाइव को हम देखना चाहते हैं कौन से सेट में है, तो फाइव क्या रिटर्न करेगा, 3। यानी कि हमें पता चल जाएगा कि फाइव इज अ एलिमेंट ऑफ डिसजॉइंट सेट विच हैज द रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव 3। यानी कि जिस सेट का रिप्रेजेंटेटिव 3 है उस सेट का हिस्सा 5 है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। अब ये रिप्रेजेंटेशन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, और इसका यूज कहाँ होता है, सबसे ज्यादा यूज इसका, सबसे अच्छा यूज आप कनेक्टेड ग्राफ को फाइंड करने में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो ग्राफ हैं, ये हमारे पास यहां पे पता है हमें, मान लीजिए इसको इस तरीके से यहाँ पे कितने, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 एजेस हैं, और हमारे पास नोड कितनी है, 5। अब इसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी देखिए 5 नोड है, और हमारे जो एजेस हैं वो कितनी है, 4 है। अब ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमें ये बताना है कि ये हमारे जो सभी नोड हैं कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो अगर हम लोग इसको, हमारे पास मल्टीपल वैल्यू, ऐसा नहीं है कि हम डिसजॉइंट सेट के बगैर इसको नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन डिसजॉइंट सेट से ये बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों कनेक्टेड हैं, तो ये एक सेट बनाएगी, इसका रिप्रेजेंटेटिव कोई एक होगा और इसका एक रिप्रेजेंटेटिव अलग होगा। तो हम हर एक नोड के लिए रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करेंगे। इसका रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए यहाँ पे, ये इसका इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन ये है, तो इसके लिए हम रिप्रेजेंटेटिव निकालेंगे तो वैल्यू ये आएगी, इसके लिए निकालेंगे तो यही आएगी, इसके लिए निकालेंगे तो यही आएगी, इसके लिए निकालेंगे तो अलग आएगी, इसके लिए निकालेंगे तो ये अलग आएगी। तो इन दोनों के लिए सेम आएगी, मतलब हम समझ जाएंगे ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। इन तीनों के लिए आपकी सेम वैल्यू आएगी, समझ जाएंगे ये तीनों कनेक्टेड है। लेकिन इसकी बात करें तो पांचों के लिए, क्योंकि एक ही सेट का हिस्सा है, तो पांचों के लिए एक ही वैल्यू आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पांचों के पांचों कनेक्टेड नोड्स हैं। तो जब हमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पे हम लोग डिसजॉइंट सेट का यूज कर सकते हैं। तो डिसजॉइंट सेट हमारा इस तरीके से वर्क करता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के भी मल्टीपल तरीके होते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 3 हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, तो 3 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 4 कनेक्टेड है, और यहाँ 1 कनेक्ट कर सकते थे, 5 यहाँ कनेक्ट कर सकते थे। ये इसको पॉइंट करता है, 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 और ये इसको पॉइंट करता है। तो अब देखिए ये डायरेक्टली तो
को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम इसको फाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसके देखेंगे ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये टू को पॉइंट कर रहा है। तो देखेंगे क्या टू 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 को ही मतलब सेल्फ लूप है इसमें, ये इसको पॉइंट कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा ये इसका रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं है। हम और आगे बढ़ेंगे कि टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री को। फिर हम चेक करेंगे क्या थ्री अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ थ्री अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन करता है तो हम समझ जाएंगे यही हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो है तो यही रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंटर हो जाते हैं एक ही वैल्यू को पॉइंट करने के लिए, तो हम लोगों ने इसको एज ए ट्री स्ट्रक्चर में फॉर्म कर दिया। तो हमें ये मल्टीपल तरीके हैं डिसजॉइंट सेट को एक्सप्लेन करने के या डिसजॉइंट सेट को इम्प्लीमेंट करने के, लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है डिसजॉइंट सेट का वो यही है कि यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि पूरे के पूरे सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि वन और वन दो टू टाइम्स आ जाए। तो यहाँ पे डिसजॉइंट सेट जैसे कि सेट के बारे में आपको पता ही है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स जिसमें कॉमन आइटम नहीं होते। अब डिसजॉइंट सेट अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, यानी कि दो डिसजॉइंट सेट हैं तो उन दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो अब हम जब डिसजॉइंट सेट या डिसजॉइंट फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। अब डिसजॉइंट यहाँ पे वर्ड क्या डिनोट कर रहा है कि वहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग एक और सेट बना दें 8, 9, 10, तो ये तो सेट बन जाएगा, लेकिन अगर हम सोचें कि इसमें 5 भी ऐड कर दें तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए 5 का हम जब रिप्रेजेंटेटिव निकालेंगे, मान लीजिए इसका रिप्रेजेंटेटिव 9 है, तो 5 का एक वैल्यू आएगी 3 और एक बार वैल्यू आएगी 9, दो वैल्यू मतलब सेम एलिमेंट के लिए दो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। तो इसलिए 5 यहाँ पे डिसजॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कॉमन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ये कहाँ यूज होते हैं, किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है और इसका बेनिफिट क्या है। आगे हम लोग देखेंगे डिसजॉइंट सेट के वेरियस ऑपरेशन की, ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, या कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी, इन सब के बारे में लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।